नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चुनवीं खबरां। देश में सीबीएसई दियां 12वीं जमात दियां बोर्ड दियां प्रीख्यावां ते वख-वख किता मुखी कोर्सां दियां दाखला प्रीख्यावां कराउण संबंधी प्रस्तावां ते चर्चा लई भलके एक उच पदरी वर्चुअल मीटिंग करवाई जा रही है। केंद्रीय सड़की आवाजाई ते राजमार्ग मंत्रालय ने सूबियां नूं कहा है कि तरल ऑक्सीजन समेत होर संवेदनशील समगरी वालियां मोटर गड्डियां चलाउण वाले सिखलाई प्राप्त ड्राइवरां दा पूल बनाया जावे। राम लक्ष्मण नाम नाल मशहूर बॉलीवुड फिल्मां दे संगीत निर्देशक विजय पाटिल दा संखेप बीमारी मगरों नागपुर विच देहांत। भारत में बीते 24 घंटे दौरान कोविड 19 के 257,299 ताज़ा मामले दर्ज हुए। बीते दिन 357,630 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घर परते। कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 87.76% ते पहुंची। कैनेडा ने भारत और पाकिस्तान तो आने वाली सीधी उड़ाणा उत्ते लगाई गई पाबंदी 21 जून तक वधाई। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने फिर दोहराया है कि कोरोना मरीजों तो कई गुणा वाधू पैसा वसूलन वाले हस्पतालों विरुद्ध सूबा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पंजाब के सारे ही सरकारी अर्ध सरकारी ते प्राइवेट स्कूल 24 मई तो 23 जून तक गर्मी दियां छुट्टियां कारण बंद रहेंगे। सुरक्षा बलों वालों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले नाल लगते इलाके में अतवादियों की एक लुकणगाह का पर्दाफाश, असला बरामद। देश में सीबीएसई दियां 12वीं जमात दियां बोर्ड दियां प्रीख्यावां ते वख-वख किता मुखी कोर्सां दियां दाखला प्रीख्यावां कराउण संबंधी प्रस्तावां ते चर्चा लई भलके एक उच पदरी वर्चुअल मीटिंग करवाई जा रही है। इस मीटिंग विच सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे सिख्या मंत्री, सिख्या सकत्तर ते सूबियां दे प्रीख्या बोर्डां दे चेयरमैनां तों इलावा होर सरोकारी भी हिस्सा लैणगे। इस मीटिंग की प्रधानगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करनगे, जबकि केंद्रीय सिख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ते महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ते सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी हिस्सा लैणगे। सिख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वालों सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं लिखी चिट्ठी विच कहा गया है कि स्कूल सिख्या ते साखरता विभाग ते सिख्या मंत्रालय अते सीबीएसई विद्यार्थियों ते अध्यापकों की सुरक्षा नूं ध्यान विच रखदिआं वख-वख प्रीख्यावां करवाउण दीआं संभावनावां दा पता लगा रही है। जिक्रयोग है कि कोविड 19 की दूजी लहर के मद्देनज़र लगभग सारे ही सूबों के सिख्या बोर्डा सीबीएसई ते आईसीएसई वालों इस साल 12वीं दियां प्रीख्यावां मुलतवी कर दित्तियां गईयां सन। इसे तरह नैशनल टैसटिंग एजेंसी ते कौमी पद्धर ते प्रीख्यावां कराउण वालियां होर संस्थावां वालों भी वख-वख किता मुखी कोर्सां दियां दाखला प्रीख्यावां मुलतवी कर दित्तियां गईयां सन। केंद्रीय सड़की आवाजाई ते राजमार्ग मंत्रालय ने सूबियां नूं कहा है कि तरल ऑक्सीजन की वधदी लोड़ नूं मुख रखदिआं ओह अजिहे ड्राइवरां दा इक पूल तैयार करन जो संवेदनशील समगरी वालियां मोटर गड्डियां नूं वधेरे सावधानी पूर्वक चलाउण लई सिखलाई प्राप्त होण। मंत्रालय ने कहा है कि सूबा सरकारां खतरनाक रसायणां ते तरल ऑक्सीजन की ढोआ ढुआई लई ड्राइवरां नूं छेती तों छेती सिखलाई देण। मंत्रालय अनुसार भारी मोटर गड्डियां दे लाइसेंस धारकां नूं भी जोखम वालियां रसायणां की आवाजाई लई छोटे समय की सिखलाई दित्ती जाणी चाहीदी है। सूबियां नूं कहा गया है कि वह अजिहे स्थानक ड्राइवरां नूं सिखलाई लई नामजद करन जिन्हां कोल भारी मोटर गड्डियां जां खतरनाक रसायणां दी आवाजाई दा लाइसेंस होवे। इस लावी दित्ती गई है कि तरल ऑक्सीजन टैंकरां दे ड्राइवरां नूं कोरोना दी वैक्सीन तुरंत दित्ती जावे ते कोरोना लई पॉजिटिव पाए जाण ते उहनां नूं हस्पतालां विच भर्ती करन विच तरजीह दित्ती जावे। सड़की आवाजाई ते राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि तरल ऑक्सीजन ट्रक चलाउण दी इजाजत सिर्फ अजिहे ड्राइवरां नूं दित्ती जाणी चाहीदी है जो खतरनाक समगरी नूं लिआउण ले जाण लई सिखलाई प्राप्त होण। इस लई सिखलाई प्राप्त ड्राइवरां दा इक वड्डा पूल बनाउण दी लोड़ है तां जो 24 घंटे काम जारी रह सके। बॉलीवुड दे उग्गे संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण दा अज नागपुर विच संखेप बीमारी तो बाद देहांत हो गया। फिल्मी दुनिया विच राम लक्ष्मण दे नाम नाल ही मशहूर सन, जबकि उन्हां दा असल नाम विजय पाटिल सी। 78 वर्यां दे विजय पाटिल ने कोई 6 दिन पहला कोविड 19 वैक्सीन की दूजी खुराक लई सी। टीकाकरण के तुरंत बाद उन्होंने कोई दिक्कत पेश नहीं आई, पर घर आके उन्होंने कमजोरी महसूस हुई ते सेहत खराब होनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने घर में ही उन्होंने देखभाल की ते अज तड़के 2 बजे दिल का दौरा पैण कारण विजय पाटिल का देहांत हो गया।
जिक्रयोग है कि विजय पाटिल ने लक्ष्मण वजो फिल्मी दुनिया में काम किया। राम लक्ष्मण ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विच एजेंट विनोद फिल्म तो अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। राम लक्ष्मण की जोड़ी ने कई फिल्मों विच यादगार संगीत दिता। राम लक्ष्मण की जोड़ी विचों सुरिंदर हिंदड़े की मौत तो बाद भी संगीतकार वजो राम लक्ष्मण का नाम ही चलता रहा। राम लक्ष्मण ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं वर्गियां मशहूर फिल्मों विच संगीत दिता। भारत में बीते 24 घंटिया दौरान कोविड 19 के 2,57,299 ताज़ा मामले दर्ज हुए। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार इस समय दौरान 4,194 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जिस मगरों हुण तक इस महामारी नाल मरण वालों की संख्या 2,95,525 ते पहुंच गई है। बीते दिन 3,57,630 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घर परते। मंत्रालय ने दस्या है कि लगातार 9वें दिन सेहतयाब होने वाले लोगों की संख्या ताज़ा मामलों नालों वध दर्ज की गई है। देश में मौजूदा समय 29,23,400 एक्टिव कोरोना मामले मौजूद ने, जो कोरोना की पुष्टि वाले के कुल मामलों का 11.12% बनता है। हुण तक 2,30,70,365 लोग कोरोना मुक्त हुए ने ते इस समय कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 87.76% ते आ गई है। इसे दौरान सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने दस्या है कि केंद्र वालों सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं हुण तक 21,33,74,000 तो वध कोरोना टीकियां दीआं खुराकां उपलब्ध करवाईआं गईआं। मंत्रालय अनुसार अज सवेर तक प्राप्त हुए अंकड़ियां मुताबक कोरोना टीकियां दी जाया गईआं खुराकां समेत हुण तक 19,73,61,311 खुराकों की खपत हुई है और 1,60,000 तो वध कोविड टीकियां दीआं खुराकां अजे भी सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों कोल उपलब्ध ने। मंत्रालय ने यह भी दस्या कि आउंदे 3 दिनों विच सूबियां नूं 2,67,000 तो वध खुराकां पहुंच जाणगीआं। कैनेडा ने भारत ते पाकिस्तान तो आने वाली सीधियां उड़ाणा उत्ते लगाई गई पाबंदी नूं 21 जून तक वधा दिता है। कैनेडा वल्लों करोना वायरस दे चलदिआं 22 अप्रैल नूं पहली बार इन्हां दोवें मुल्कां तो आने वाली सीधियां उड़ाणा उत्ते 1 महीने की पाबंदी लगाउण दा ऐलान किया गया सी। इह म्याद अज 22 मई नूं खत्म हो रही सी। अधिकारित ऐलान मुताबक इन्हां मुल्कां तो आउंदियां कारगो उड़ाणा नूं जरूरी सप्लाई जिवें कि ऑक्सीजन ते निजी साजो समान लई पहलां वांग आउण जाउण दी खुल रहेगी। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने फिर दोहराया है कि करोना लहर का फायदा उठाने वाले मरीजों तो कई गुणा वादू पैसा वसूलन वाले हस्पतालों विरुद्ध सूबा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अज इंडियन मैडिकल एसोसीएशन की सूबा पदरी कमेटी की वर्चुअल मीटिंग की प्रधानगी करदिया बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सानू प्राइवेट हस्पतालों वालों मरीजों तो सरकार वालों तय किए गए रेटा तो किते वध पैसे वसूलन दीआं शिकायतां प्राप्त हो रही ने अते सरकार इन्हां हस्पतालों नू किसी भी कीमत ते नहीं बख्शेगी। इन्हां हस्पतालों विरुद्ध महामारी रोक कानून तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्हां दस्या कि इस कानून तहत सरकार कोल दोषी पाए गए हस्पतालों नू बंद करन जां इन्हां हस्पतालों का कंट्रोल अपने हाथ विच लैण दी ताकत है। उन्हां सारे ही प्राइवेट हस्पतालों नू अपील की है कि वह मरीजों की मजबूरी का फायदा ना उठाण। सेहत मंत्री ने सरकारी ते प्राइवेट सैक्टर के डॉक्टरां ते पैरामेडिकल स्टाफ वालों किए जा रहे चंगे काम की भरपूर शलाघा की। उन्होंने कहा कि इस खिते विच कुछ कालियां पेड़ां भी ने जो स्थिति का फायदा उठा के लोगों की लुट खसुट कर रहे हैं। बलबीर सिंह सिद्धू ने यह भी दस्या कि सरकार वालों जरूरी दवाइया ते ऑक्सीजन की कालाबाजारी ठल पाउण लई सख्त कदम चुके जा रहे हैं। जे कोई व्यक्ति अजिहा वर्तारा करता पाया गया तो उस विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेहत मंत्री ने ऐलान किया कि छेती ही सूबा पदरी कमेटी प्राइवेट हस्पतालों में दाखिल कोविड 19 मरीजों के इलाज का विस्थारित ऑडिट करेगी। उन्होंने दस्या कि कोई भी व्यक्ति सेहत विभाग के हैल्पलाइन नंबर 104 से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है तो इस उत्ते तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सेहत मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आउंदे मंगलवार सूबा भर के सरपंचों नाल वर्चुअल चर्चा करेंगे, जिस दौरान पिंडां विच कोविड 19 नूं फैलण तो रोकने लई कई दिशा निर्देश दिते जाणगे। पंजाब दे सारे ही सरकारी अर्ध सरकारी ते प्राइवेट स्कूल 24 मई तो 23 जून तक गर्मियां दीआं छुट्टियां कारण बंद रहणगे। सूबे दे स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने अज इस बारे जानकारी दिंदिआं कहा कि कोविड 19 महामारी कारण विद्यार्थियों वास्ते स्कूल इस समय भी बंद ने अते हुण 1 महीने लई अध्यापकां ते होर स्टाफ लई भी स्कूल बंद रहणगे। विजेंद्र सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सूबा सरकार वल्लों इस करोना काल कारण लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र एहतियाती कदम चुके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई जरूरी कदमां तों इलावा सरकार ने स्कूलों में सिक्ख्या के म्यार नूं उच्चा चुकण लई भी सख्त मेहनत की है, जो सरकारी स्कूलों में दाखलों में वाधे ते नतीजों में सुधार तो साबित हुंदा है। सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि पिछले साल कोविड कारण स्कूल बंद करन तो लैके हुण तक
सिक्ख्या विभाग के अध्यापक विद्यार्थियों वक्वक ऑनलाइन माध्यमों राही पढ़ाई करवा रहे हैं, जिन्हां विच मोबाइल एप्लीकेशन ते टीवी चैनल राही सिक्ख्या भी शामिल है। उन्होंने भी दस्या कि इस साल अध्यापकों वालों विद्यार्थियों का बाकी रहिंदा सिलेबस पूरा करवाने लई हर संभव ढंग तरीके वरते जा रहे हैं। सिक्ख्या मंत्री ने अध्यापकों अपील की कि गर्मियों दीआं छुट्टियां दौरान भी वह विद्यार्थियों संपर्क में रहन ते उन्हां नूं ते उन्हां दे मापिआं नूं करोना वायरस की लाग तो बचण लई सुरक्षा प्रोटोकॉल बारे दसदे रहन। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिख के खेती कानूनों बारे गलबात मुड़ शुरू करने की अपील की है। किसान मोर्चा वालों केंद्र के तीन खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली दीआं सरहदां ते अजे भी प्रदर्शन जारी है। किसान मोर्चे ने कहा है कि किसान महामारी विच किसी की भी सेहत नूं खतरे विच नहीं पा रहे। जिक्रयोग है कि केंद्र सरकार ते किसान आगुआं विचकार 22 जनवरी तो बाद कोई गलबात नहीं हुई। इस समय पंजाब विच हाड़ी दी फसल दी खरीद दा काम अंतिम पड़ा ते है। इस बार पहली बार किसानों नूं कणक दी खरीद दी रकम दी सीधी अदायगी उन्हां दे खात्यां विच प्राप्त हुई, जिस नाल किसानों नूं बहुत फायदा होया। मानसा जिले दे पिंड होडलां कलां दे किसान अजैब सिंह ते पिखी पिंड दे किसान नछत्तर सिंह ने अपने खात्यां विच अदायगी दी रकम आउण ते खुशी जाहिर कीती ते सरकार दा धन्नवाद कीता। मैं अजैब सिंह पिंड होडलां कलां तों जिला मानसा तों बोलदा जी। सानू जो केंद्र सरकार वालों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों जिहड़ी मंडियां दे विच किसानां नूं सीधी अदायगी की गई है वो तो असी 100% खुश हाँ जी। तो हुण साडी जिहड़ी पेमेंट है नाल दी नाल तीजे चौथे दिन साडी मतलब पेमेंट अपने साडे खात्यां विच पैगी। मैं नछत्तर सिंह भिखी ते मैं मोदी सरकार जी दा तहे दिलों धन्नवाद करदा जी। जिहड़ा इन्हां ने जिनस दी मतलब साड़ी खरीद की है वह भी बहुत सोहनी सुचे ढंग की है, बहुत वधिया की है। तो सानू मतलब खजल खुआर नहीं होना पाया जी। और जिहड़ी भी सानू मतलब जिनस का मतलब भा दिता है वह साडा सीधे खात्यां दे विच आउण नाल ते सानू बहुत फायदा होया। सुरक्षा बलों वालों अज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले नाल लगते इलाके विच अतवादियों की एक लुकनगाह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस सूत्रों ने जम्मू विच दस्या कि पुलिस विशेष ऑपरेशन ग्रुप ते फौज की सांझी टीम वालों अज सवेरे LOC लागे कस्बा पिंड विच तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिस दौरान इस लुकनगाह का पता लगा। इस थां तों हथियार ते गोली सिक्का बरामद किया गया, जिस विच एक AK-56 राइफल, एक मैगजीन AK-56 के 30 रौंद, दो चीनी पिस्तौलों ते एक पिस्तौल की मैगजीन शामिल है। पुलिस अनुसार इस मामले में कानून अनुसार FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। डीडी पंजाबी दे खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक यूट्यूब चैनल RNU DDK जलंधर ते भी देख सकते हैं अते ए बुलेटिन RNU जलंधर दे ट्विटर हैंडल ते फेसबुक पेज ते उपलब्ध ने। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। देश विच CBSE दीआं 12वीं जमात दीआं बोर्ड दीआं प्रीख्यावां ते वख-वख किता मुखी कोर्सां दीआं दाखला प्रीख्यावां कराउण संबंधी प्रस्तावां ते चर्चा लई भलके एक उच्च पदरी वर्चुअल मीटिंग करवाई जा रही है। केंद्रीय सड़की आवाजाई ते राजमार्ग मंत्रालय ने सूबियां नूं कहा है कि तरल ऑक्सीजन समेत होर संवेदनशील समगरी वालियां मोटर गड्डियां चलाउण वाले सिखलाई प्राप्त ड्राइवरां दा पूल बनाया जावे। राम लक्ष्मण नाम नाल मशहूर बॉलीवुड फिल्मां दे संगीत निर्देशक विजय पाटिल दा संखेप बीमारी मगरों नागपुर विच देहांत। भारत विच बीते 24 घंटियां दौरान COVID-19 दे 257,299 ताज़ा मामले दर्ज हुए। बीते दिन 357,630 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घर परते। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 87.76% ते पहुंची। कैनेडा ने भारत ते पाकिस्तान तो आने वाली सीधिया उड़ाणा उत्ते लगाई गई पाबंदी 21 जून तक वधाई। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने फिर दोहराया है कि कोरोना मरीजों तो कई गुणा वाधू पैसा वसूलण वाले हस्पतालों विरुद्ध सूबा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पंजाब के सारे ही सरकारी अर्ध सरकारी ते प्राइवेट स्कूल 24 मई तो 23 जून तक गर्मियों दीआं छुट्टियां कारण बंद रहणगे। ते सुरक्षा बलों वालों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले नाल लगते इलाके विच अतवादियों की एक लुकनगाह का पर्दाफाश असला बरामद। इस नाल ही खबरां दा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। आ गया दिओ नमस्कार।